अरे इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम दोनों भाग चलते हैं ना। तुम पागल हो गए क्या, कैसी बातें कर रहे हो? वो उठ जाएगा, सुन लेगा, चुप चाप तुम। अंकल जी ये देखिए, ये जो लड़की है ना, ये पीछे बैठी हुई है, इसका पति सो रहा है और अपने पति को ये धोखा दे रही है। देखिए तो सही, इसका आशिक ऊपर बैठा है और शाले हमें आशिकी कर रहे हैं। आप प्लीज मेरी मदद करेंगे इसका पर्दाफाश करने में? हाँ बेटा, जरूर मदद करूंगा मैं तेरी। जी उठो उठो। क्या हुआ, कौन है? तुम मुझे भूल गए क्या? मैं तुम्हारा प्यार जैसिका। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास थोड़ी कर रही हूँ, सच्ची तो बोल रही हूँ। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एक्चुअली हम काफी साल पहले ना रिलेशनशिप में थे, हमारा काफी लंबा रिलेशनशिप चला था। वैसे तुम कौन हो? ये मेरी वाइफ है। और तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। क्या तुम मुझे भूल गए? अरे हम एक साथ कितना टाइम स्पेंड करते थे, हम कितना एंजॉय करते थे, तुम सब कुछ भूल गए क्या? अरे हाँ हाँ बेटा, ये सच बोल रही है, मैं तुम्हारे कॉलेज का प्रोफेसर था, कॉलेज में तुम कितनी आशिकी किया करते थे, तुम दोनों के बारे सब जानता हूँ मैं। सर आप मेरे प्रोफेसर कैसे हो सकते हैं, आपने तो मुझे कभी नहीं पढ़ाया। लो जी, ये भी मुझे भूल गया, लगता है बीवी के सामने पकड़ा गया ना, इसलिए घबरा रहा है, डर रहा है। बेटा डरने की जरूरत नहीं है, पहली मोहब्बत ही ना पहली होती है, और सच में ये लड़की ना तुम्हारा पहला प्यार और सच्चा प्यार है। सही कहा सर, आपने बिल्कुल सच कहा। और तुम तो मुझे काफी टाइम बाद मिल रहे हो और तुमने तो शादी भी कर ली। खैर ये सब बातें भी छोड़ो और अपनी इस वाइफ को भी छोड़ो, तुम मुझसे शादी कर लो। ओ हेलो, पहली बात तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, और मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, इसे मैं कभी छोड़ने नहीं वाला, समझ आई? अच्छा तो तुम इसे सच्चा प्यार करते हो। चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। अब तो इसे छोड़ दो, अब मुझसे शादी कर लो। तुम पैसा दो, गाड़ी दो, बंगला दो, मैं अपनी वाइफ को कभी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ओ रियली, क्या तुम्हारी वाइफ भी तुमसे इतना प्यार करती है? हाँ वो भी मुझसे इतना ही प्यार करती है। ग्रेट, अगर तुम्हारी वाइफ भी तुमसे सच्चा प्यार कर रही होती ना, तो किसी के साथ ऐसे अफेयर ना चला रही होती। क्या बकवास कर रही हो तुम, जब से आई हो पटर पटर बोले जा रही हो, अभी पुलिस को कॉल करता हूँ मैं। हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, पर पहले ना एक चीज देख लो, ये देखो। कितनी गिरी हुई हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए, और तुम ये चलती बस में मेरे सामने अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही हो। शर्म मानी चाहिए तुम्हें अपने आप से, मुझे धोखा दे रही हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे ऐसी लड़कियां ना बिल्कुल पसंद है जो अपने पतियों को धोखा दे रही है, इसीलिए मैंने तुम्हारा पर्दाफाश किया। तुम जैसा सोच रहे हो ना, वैसा तो कुछ भी नहीं है, वो बस तेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। दोस्त है वो तो दिख ही रहा है कि वो दोस्त है या दोस्त से ज्यादा। बस रोको, दोस्तों पति पत्नी का रिश्ता कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं होता, भरोसा इस रिश्ते की नींव होता है। और कोई भी इंसान अपने पार्टनर को धोखा देके कभी खुश नहीं रह सकता। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।